हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आईबी सॉल्यूशंस चैनल। और आज की बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं जो कि क्लियर करनी है। ठीक है, सो इट वोंट गोना टेक लॉन्ग। सो आई अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टू अंडरस्टैंड द मेन एंड एक्चुअल कंसेप्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि क्या चिली पे पैल यूज़ करने से अकाउंट्स ह्यूमैनिटी के ब्लॉक हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं? सो द आंसर इज़ नो। अब मैं इस नो को जस्टिफाई करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ, और फिर कुछ ऐसी डिटेल्स बता देता हूँ कि जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं अकाउंट आपको चिली पेपैल यूज़ करते हुए भी। सो फर्स्ट थिंग, चिली पेपैल है क्या? वेयर डू वी कॉल इट चिली पेपैल? सो चिली एक अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। अमेरिका इट्सेल्फ इज़ नॉट अ कंट्री, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। दिस नॉर्थ अमेरिका, दिस साउथ अमेरिका। सो अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम चिली है, और वहाँ का जो पेपैल है वो मेथड के थ्रू क्रिएट हो जाता है, ठीक है जी, और उसको हम चिली पेपैल बोलते हैं। सो इट वर्क्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपैल, ठीक है। ह्यूमैनिटी डज नॉट कलेक्ट योर फाइनेंशियल डिटेल्स, और पेपैल डू नॉट शेयर देयर फाइनेंशियल डिटेल्स विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें आपका प्राइवेसी कंसर्न होता है, ठीक है। इसमें आपकी सिक्योरिटी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं। सो चिली पेपैल भी जस्ट लाइक अदर पेपैल्स, इसके साथ भी एक बैंक अकाउंट अटैच होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये आपके नाम पे नहीं है, इसके अंदर जो डिटेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपसे बिलोंग नहीं करती, ठीक है। और एल्स इट वर्क्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपैल, बट ऑब्वियसली बात है कि इसमें वो फीचर्स आपको नहीं मिल रहे पेपैल में जो फीचर्स आपको एक नॉर्मल एक ऑथेंटिक पेपैल में मिलते हैं, ठीक है। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है। लेकिन चिली पेपैल यूज़ करने से ह्यूमैनिटी की आईडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट क्लियर थिंग। अब कुछ लोग ये कहेंगे जी कि हमारे अकाउंट तो चिली पेपैल यूज़ करने से ब्लॉक हो गए। सो बेसिकली जब आप कोई भी मेल प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं जो कि ह्यूमैनिटी की पॉलिसीज के ख़िलाफ़ है, तो उस पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अच्छा फिर चिली पेपैल की वजह से क्यों डीएक्टिवेट हुए? सो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चिली पेपैल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चिली पेपैल किसी से बाय किया, अकाउंट के साथ अटैच किया ह्यूमैनिटी के, और उसके बाद पेपैल को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने उस पेपैल की ईमेल को किसी भी एक शख्स की मेन ईमेल के साथ पेपैल की अटैच कर दिया, ताकि जब ह्यूमैनिटी का आपको पेमेंट भेजे आपके पेपैल में और आगे वो अकाउंट उनको क्लोज मिलेगा, तो वो अल्टरनेटिव ईमेल पे आपको पैसे भेज दें। बट रिसेंटली पेपैल की पॉलिसी चेंज हुई थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका चिली पेपैल का अकाउंट क्लोज है, तो अब देखिए पॉलिसी जब भी अप्लीकेबल होती है ना, तो वो सब अकाउंट्स पे नहीं होती, इट टेक सम फेजेस टू अप्लाई ऑन लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अकाउंट्स, राइट। पेपैल पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ हो रहा है, हर कंट्री के डिफरेंट बैंक्स हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब होता क्या है कि कुछ लोग जब चिली पेपैल पे पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं और आपकी ह्यूमैनिटी की तरफ से पेमेंट सेंड की जाती है पेपैल को, वहाँ से आगे क्लोज उनके अकाउंट मिलता है, वो सेंड बैक कर देते हैं ह्यूमैनिटी को पेमेंट के, जी इस बंदे का तो फाइनेंशियल डिटेल्स हमारे से क्लोज्ड हैं। अब ह्यूमैनिटी का अपनी सिरदर्दी नहीं लेता जी कि वो आपको यही मसले देखता रहे एक एक बंदे के कि पेमेंट वापस आ गई है, तो अच्छा हम दोबारा हम उसको कर देंगे। तो बेसिकली ह्यूमैनिटी को पता चल जाता है कि यार ये बंदा किसी किस्म का फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि देखें बच्चा कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा सियानी बनती हैं, तो वो भी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हम बींग अ पर्सन अगर इतने सियाने हैं, तो दैट होल इंस्टीट्यूट जिनके पास एक सर्वर लगा हुआ है, एक मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम ये चीज़ें पता चलती हैं और हमारे थ्रू ही पता चल रही होती हैं, ठीक है। फ्रीलांसर्स ही कुछ चीज़ें जो है वो कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, तो खैर इट वुड गो लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, तो मैं इसको इतना लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, ये काम भी हम जैसे कुछ फ्रीलांसर्स ने खुद ही किया है, ठीक है। पर्सनली आई एम नॉट इन्वॉल्व, बट द पॉइंट टू से इज कि कुछ लोग ना स्मार्ट या अवर स्मार्ट बनने की कोशिश में ना अपने आप को ना बस वो एक उसमें डाल देते हैं मुसीबत में, ठीक है। तो पहले इट यूज टू वर्क परफेक्टली, बट हम लोगों ने ही इन्फॉर्म किया ह्यूमैनिटी को जी कि हम लोग तो ऐसी कोई दो नंबरी भी कर रहे हैं, और सिंपली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कोई भी शख्स जो चिली पेपैल को क्लोज कर देता है और उसके बाद पेमेंट लेने की कोशिश करता है, ठीक है, 90 to 95% पीपल अमंग 100
गेट्स देयर अकाउंट डीएक्टिवेटेड, और बाकी 5% वो लकी लोग होते हैं जिनकी पेमेंट्स जो है वो नेक्स्ट जो पेपल अटैच होता है उस पर ट्रांसफर हो जाती हैं। सो वो सैनिक कहते हैं जिस गली जाना ना हो उसका रास्ता नहीं पूछते, ठीक है। तो वैसे ही पंजाबी कहावत है और मुझे एग्जैक्ट उसके वर्डिंग याद नहीं है, सो मैं इसको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है। बट आई होप कि आप पॉइंट समझ गए होंगे कि कैसे क्लोज होगा तो कैसे किसी और के साथ अटैच होगा। यू डोंट इवन नीड टू नो अबाउट दैट अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इससे आपका लॉस है, इससे आपका नुकसान होगा। सो एक तो आपकी वो जो हार्ड अर्न मनी है, जो ह्यूमैनिटी पे आपने काम करके मेहनत करके अपना टाइम सर्व करके अर्न किया, एक तो वो ज़ाया, प्लस आपने अकाउंट अगर बाय किया था तो उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया, आपका टाइम वेस्ट, आप डिसर्ट अलग से होंगे, ठीक है। और देन यू विल बी लाइक इन द एंड कि यार ये ह्यूमैनिटी तो फ्रॉड काम है, ये तो कंपनी पैसे नहीं देती, काम करवा लेती तो पैसे नहीं देती। सो बेसिकली आप कहीं पर भी पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो फिर क्रॉस करिए, बर्दाश्त कर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नुकसान ना हो तो प्लीज़ आपको ये जो डिटेल्स कन्वे की जाती है इन पे अमल किया करें। सेकंड रीज़न कि पेपैल की वजह से और कौन सी ऐसी रीज़न हो सकती है कि ह्यूमैनिटी का आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे। सो ह्यूमैनिटी की एक क्लियर पॉलिसी है कि वो एक बंदे को एक दफ़ा ही चांस देते हैं ह्यूमैनिटी के साथ काम करने के लिए, ठीक है जी। सो दैट मीन्स एक पेपैल जस्ट एक दफ़ा ही आप ह्यूमैनिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। समटाइम लोग क्या करते हैं, एक पेपैल पे एक अकाउंट बनाया, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया दोबारा से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अपना पेपैल है, ठीक है, और मैंने अकाउंट बनाया था और वो अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हो गया। अब दोबारा मैं उस पेपैल पे अकाउंट तो क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। अप्लाई करूंगा तो वो कहेंगे जी अकाउंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं किसी के पास जाके अकाउंट परचेज कर लूंगा बींग अ कस्टमर, कि चलो यार मैं अकाउंट परचेज कर ले तो पेपैल तो ऑलरेडी है मेरे पास यूज़ करने के लिए। अकाउंट लेके दोबारा पेपैल उस पर लगाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही मैं उसको लगाऊंगा तो वो मेरा पेपैल का ईमेल तो ऑलरेडी फ्लैग हो चुका है ह्यूमैनिटी की तरफ से। उनको पता चले जाएगा कि अच्छा यार ये तो बंदा जो है वो हमारे हमें जो वो हमारे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, चुप करके वो दूसरा अकाउंट भी जो आपने परचेज किया था किसी से पैसे दे के वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो काइंडली देखें, एक एक जो स्मार्ट प्रैक्टिस होती है ना किसी भी चीज़ के लिए, वो ये होती है कि जब आप कुछ भी काम करने लगे हैं ना तो उसमें किसी एक्सपर्ट पर्सन से एडवाइस ले लें, पूछ लें, ठीक है। समटाइम मुझसे लोग बाज़ू का ऐसी कंप्लेन करते हैं कि यार आपका अकाउंट 100 रुपया महंगा है, 200 रुपये महंगा है, 500 रुपये महंगा है, ठीक है। और मैं फिर लोगों को ये बात एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि येस इट डू मेक सेंस, लेकिन एक चीज़ जो कि आप लोग इग्नोर कर देते हैं वो होता है कस्टमर सर्विसेज। आप वही प्रोडक्ट सैमसंग की लेते हैं, वही प्रोडक्ट आप किसी और कंपनी की ले लेते हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम होती हैं, येट देर इज़ अ बिग प्राइस डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उसके बरक्स आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती है। सो जस्ट लाइक दैट, जब मैं आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करता हूँ तो मैं साथ में आपको आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। समटाइम आपके सिनेरियोज क्लियर नहीं है, वो आपको गाइड करता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ ट्रिक्स देता हूँ टू सिक्योर योर अकाउंट। सो अपरेंटली 100, 200 या 500 रुपया एक्स्ट्रा पे करने से आपको ही फ़ायदा हो रहा होता है कि आपको सर्विसेज मेरी होती हैं। दे आर लाइक हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि मुझे कंटेक्ट करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि यार मैंने फलां बंदे से अकाउंट लिया था, अब उसके साथ ये हो गया, वो ये मसला हो गया। अब वो बंदा तो कहे जी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी नहीं, लेकिन आपको तो सर्विसेज भी नहीं मिल रही ना, राइट। आपने एक बंदे से अकाउंट लिया, वो बात खत्म होगी, अब उल्टा आपका वो 2,000 3,000 वर्ष है, वो 5,000 10,000 जितना भी नुकसान है वो तो क्या, डिस्पाइट दिस कि आप उस टाइम ये सोचते हैं कि यार बजाय इसके कि मैं 200 500 रुपया ज़्यादा लगा के कम अज़ कम एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हासिल कर लूँ चीज़ लेते हुए, कि यार मुझे कभी भी कोई मसला होता है या मुझे कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो कोई मुझे गाइड भी कर दे। सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अकाउंट परचेजिंग, बट इट्स अबाउट द वर्क। देखें, आप कोई खाने पीने की चीज़, कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करी जो कि ली आपने, यूज़ की, इस्तेमाल की, फेंक दी, दैट्स इट। दिस इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। और जब आप सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं तो सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो, सबसे मेन चीज़ आपकी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। आपकी जब मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, आपने हफ्ते बाद 60 70 डॉलर बनाए हैं, आप निकलवाना चाह रहे हैं, पता चला जी हफ्ते बाद आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी गई थी, वो जो पैसे आपने बनाए थे, मेहनत जो की थी, रातों को जागे थे, वे काम किया था, वो भी गया आपका। सो अपरेंटली आपने 500 रुपये बचाते हुए अपना 10 से 15 20 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। सो ये कहाँ की अकलमंदी है दोस्त। सो आई होप, देखे मेरी कुछ बातें हार्श जरूर होती हैं, बट आई एम द पर्सन जो के फैक्ट्स पे, जो रियलिटी पे बात करता है। लाइक आई टोल्ड यू गैस बिफोर, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद या गाइड करने का मकसद आप लोगों की बेहतरी है। देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी ऑलवेज। इट फील्स गुड टू मी जब लोग मुझे दुआ देते हैं एंड दे आर ग्रेटफुल कि यार
आपकी वजह से उसामा भाई हमें एक हम अच्छी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, कैटेगरी सीख ली है, ये ट्रेनिंग होगी, ये चीज़ क्लियर नहीं थी, अब हम अच्छे से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये करें वो करें। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी कि ह्यूमैनिटी पे साइन अप कैसे करना है, उससे पहले लोगों को लिटरली नहीं पता था, एंड देन आई हैव रिसीव्ड लाइक लिटरली इतने मैसेजेस मुझे आए सिर्फ थैंक यू के जी आपकी वजह से हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने सबमिट कर लिया, ये चीज़ नहीं पता थी, ये नहीं पता थी। सो देखें आपको फ़ायदा हो रहा है राइट, लेकिन हर एक चीज़ का एक फेयर यूजेज भी है, ह्यूमैनिटी पे काम करने का भी फेयर यूजेज है, लेकिन मेरे चैनल के थ्रू भी डिटेल्स लेने का एक फेयर यूजेज है। अब आप आईडी कहीं से परचेज कर लेते हैं या आपने आईडी खुद से क्रिएट कर ली, उसके बाद आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं जी कि ये वाला सिनेरियो मुझे गाइड कर दें, ये वाला इशू आ रहा है, तो दोस्त मुझे ये बताएं कि आई एम हैविंग अ पर्सनल लाइफ एज वेल, आई एम हेयर टू अर्न मनी एज वेल, आई एम हेयर टू मेक बिजनेस एज वेल राइट, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो मुझे ये बताएं कि अगर हर बंदे को मैं पर्सनली तौर पे फैसिलिटेट करने लग जाऊंगा, लाइक आई टोल्ड दिस थिंग बिफोर इन माय प्रीवियस वीडियो, तो मुझे बताएं मेरी तो लाइफ गई ना, मेरी तो अर्निंग गई ना। अब मुझे ये बताएं कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग एनी बैक एंड सपोर्ट, मैं खुद को ही सपोर्ट करता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड टू, ठीक है, तो आई हैव टू मेक मनी एज वेल राइट। तो मैं ये जो डिटेल्स होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पर्सनली तौर पे गाइड की जाती हैं, ठीक है, पर्सनल लेवल पे जाके अगर इंटरटेन किया जाता है, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स को इंटरटेन करता हूँ, दोस्त पीपल जो मुझसे आईडी परचेज करते हैं, ठीक है, नो मैटर वो उनको सेम प्राइस पे मिल गई है, वो उनको 100 200 रुपये सस्ती मिल गई, महंगी मिल गई, इट डज नॉट मैटर, वट मैटर इज कि यार उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। बिलीव मी 99.9% मेरा रेट है इसका सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल फॉर द रिव्यूज एंड कमेंट्स, यू वॉन्ट गोना फाइंड अ सिंगल पर्सन कंप्लेनिंग कि यार मैंने मुझसे उसने आईडी परचेज की और मैंने उसको एंटरटेन ना किया हो। लाइक आप मुझसे आईडी लेते हैं, आप साल बाद भी मुझे कंटेक्ट करते हैं ना, तो मैं एंटरटेन करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स माई ऑब्लिगेशन, ठीक है, इवन इफ इट्स नॉट माई ऑब्लीगेशन स्टिल इट्स माई ऑब्लीगेशन। जाहिर सी बात है आप आई डी लेके काम कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू, बट स्टिल जो चीज़ें जो नॉलेज मैंने 6 सालों में गेन किया है ट्रांसक्रिप्शन का काम करके, वो नॉलेज अगर आपने भी 6 साल में गेन करना है, तो फिर तो कोई मेंटर होने का तो फायदा ना हुआ राइट। सो इफ यू आर माई सब्सक्राइबर देन आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मैं वीडियोज बनाता हूँ आप लोगों के लिए कन्वे कर लूँ। सो अगेन आई अर्ज यू गैस कि आप जब वीडियो प्ले करते हैं आइदर फाइंड अ गुड टाइम टू प्ले दी वीडियोस, उसकी रीज़न ये होती है कि आप छोटी सी वीडियो देख के उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो मेरा ओवरऑल चैनल क्रिएटिंग करा देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग विच रियली मीन्स टू मी कि यार मेरे चैनल को जब कोई सर्च करता है, भी सोल्यूशंस टाइप करता है या ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ सर्च करता है, सो मेरा चैनल टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। सो इट्स टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विद द पीपल, आई एम ऑनेस्ट विद माई ऑडियंस, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि यार कम अज़ कम मैं जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कम अज़ कम वो तो कन्वे हो ना राइट। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो काइंडली इसको कम्प्लीट देख लिया करें, ठीक है, आप कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर जरूर किया करें। देखिए आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, और आपको मालूम है कि हमारी कंट्री की लाइक 60% जो पॉपुलेशन है इट्स यूथ, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है हमारी कंट्री में। सो अगर आपकी वजह से कोई भी आपका दोस्त रिश्तेदार, आपका कॉलेज मेट, आपका कोलीग, आपका वर्क वर्क कोलीग, कोई भी किसी को बेनिफिट होता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, कोई अर्निंग करना शुरू कर देता है, तो ये एक सवाब का काम भी है, ठीक है, इट्स लाइक अ सदका जारिया कि वो अर्न कर रहा है, तो देखिए आप उसकी एक रीज़न बने हैं, ठीक है, उसकी मैं एक रीज़न बनाऊँ। सो गाइज इट्स नॉट अबाउट द मनी ऑल द टाइम, ठीक है, आप हर टाइम सिर्फ पैसा ही नहीं सोच सकते, एंड मनी इज़ नॉट दी ओनली थिंग वी आर हेयर फॉर, ठीक है, ऑब्वियसली मनी इज़ अ नेसेसिटी कंपोनेंट इन आवर लाइफ, और इट्स अ वेरी बेसिक एंड हार्श रियलिटी, बट येस स्टिल अगेन ओके। वेल कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने, तो आई होप कि पेपैल के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि देखिए जी अगर हमने एक्सपेंस किया है, हमने एक वेरीफाइड पेपल बना लिया जो कि ऑल दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें, और उसके बाद अगर ह्यूमैनिटी की तरफ से इवन दो अगर हमारी ही मिस्टेक थी और अकाउंट हमारा ब्लॉक हो गया, और अब ऑब्वियसली बात है दोबारा हम काम करना चाहते हैं, आईडी हम परचेज भी कर लेंगे, लेकिन पेपल तो बार बार नहीं खरीद कर सकते हम लोग राइट। सो दैट मेक सेंस, उसके लिए क्या तरीकाकार है, उसके लिए आप अपना मेन पेपल रखेंगे, उसको दोबारा से ह्यूमैनिटी के साथ अप्लाई नहीं करेंगे, अटैच नहीं करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप एक
एक्चुअली पेपैल परचेज करके उसकी पेमेंट्स आप अपने मेन पेपैल में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ से विड्रॉ करवाएंगे। एक तो बहुत से लोग जो है वो एक्सचेंजिंग करवाते हैं, एक्सचेंजिंग सर्विसेज लेते हुए आपको मालूम है कि डॉलर का रेट बहुत कम मिलता है, ऊपर से पेपैल टू पेपैल ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक दफ़ा थोड़ा सा खर्चा कर लिया करें और अपने आप को मेंटल सुकून दे दिया करें, ठीक है। मेंटल पीस इज़ एवरी थिंग, बिलीव मी, डे एंड पे अगर आप मेंटल मेंटल पीस है आपका, तो आप सुकून से सोएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपका अपना काम ठीक होता है, जब आप खुद दो नंबर यानी यूज़ करते हो। देखिए चिली पेपैल इज़ बेसिकली एक मेथड है, और मेथड को सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करूँ तो इट्स अ दो नंबर ही, ठीक है। तो दो नंबर ही को अगर आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है मेंटल पीस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट्स योर सोर्स ऑफ इनकम, और अपने आप पे इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए बिजनेस भी तो होता है जो आप स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ आप इन्वेस्ट करते हैं उसके एडवर्टीजमेंट पे, उस पर अच्छी पॉलिसीज़ बनाने पे, उसके इक्विपमेंट अपग्रेड करने पे, स्टाफ हायर करने पे, उसकी डिलीवरी सर्विसेज एकम्प्लिश करने पे, उसकी क्वालिटी एकम्प्लिश करने पे। यू डू एक्सपेंस, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो देखिए आप ह्यूमैनिटी पे अगर एज अ फ्रीलांसर काम करें, तो आप किसी के लिए काम नहीं करें, आप अपने लिए काम करें, राइट। सो अगर अपने आप को ही वैल्यू नहीं देंगे, सो हु गोना वैल्यू यू। बहुत से लोग ऐसे कंटेक्ट करते हैं, अच्छा जी आप ऐसे करें, आप पहले हमें पेपैल दे दे, हम पैसे निकलवाएंगे आपको दे देंगे। भाई आप खुद ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करें तो कोई बंदा क्यों सपोर्ट करेगा। देखिए मेरी बातों को माइंड नहीं कीजिएगा, मैं अपने तौर पे सिर्फ बात ये नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरली तौर पे बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर आप खुद ही अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने आप को ये अफोर्ड नहीं कर रहे, और आप दूसरे से एक्सपेक्टेशन ये लगा रहे हैं कि यार कोई दूसरा बंदा अपने लिए करेगा। देखिए पेपैल बनाने में एक्सपेंस आता है, एक सिंपल सी बात है। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक्सपेंस मैं अपने पॉकेट से दूं या किसी भी और से बनवाते हैं, तो वो अपने पॉकेट से पे करें और उसके बाद आपको कहे मोहतरम ये आप ले लें, आप पैसे निकलवा लें और उसके बाद मुझे दे दीजिएगा। देखिए ऐसे नहीं होता ना, राइट। आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। यू गो टू कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल टू गेट दी एजुकेशन, तो आप उनको ये नहीं कहते कि आप मुझे फ्री एजुकेशन दे दें, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे कमाने लग जाऊंगा कल को, तो मैं वो सारे पैसे आपको जो है ना वो वापस कर दूंगा जो मेरी पढ़ाई पे लगे। सो फर्स्ट यू पे देन यू टेक द सर्विसेज, सो इट्स अ नेचुरल फेनोमेना, राइट। ये इसी तरह से दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। सो वी गाइज नीड टू डू अ सेल्फ असेसमेंट बिफोर एस्किंग एनी बॉडी फॉर एनी काइंड ऑफ फेवर। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कुछ लोगों को ना बोलते हुए इन चीज़ों पर। मैं जहाँ तक फेवर्स हो सकती है मैं करता हूँ। अब एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, रिसेंटली मैंने लगाया था कि यार रमज़ान में मैं अगर कोई बंदा आईडी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको 50% एडवांस पे दे रहा हूँ आईडी, ठीक है। वो 50% पे करके मुझसे आईडी ले सकते हैं, बाकी 50% वो अर्न करके मुझे दे सकते हैं। सो व्हाट अमेज्ड मी इज़ के देखें जब मैंने ये चीज़ अनाउंस नहीं की हुई थी, लोग ले रहे थे आईडीज, और ऐसे लोग फिर मेरे पास आए जो कहते हैं जी कि आप इस तरह करें, आप आईडी दे दें, हम कमा के ना आपको दे देंगे। सो आई वॉज लाइक कि यार ये आवाम ऐसी है कि इसको अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कहेगी फ्री दे दे, और अगर और बिलीव मी अगर मैं किसी को कहूँगा ना कि यार फ्री आईडी, तो अगला बंदा कहेगा अच्छा फ्री दे रहे हैं तो दो दे दे मुझे। सो प्लीज़ वी नीड टू चेंज दिस माइंड सेट, हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, और एल्स वी एज अ नेशन कैन नॉट ग्रो। हमें अपने आप को ग्रो अप करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। खाने पीने पे हम पैसा लगा देते हैं, सिनेमा चले जाते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, इन्जॉयमेंट कर लेते हैं। वाई नॉट वी इन्वेस्ट ऑन आवर पर्सनल स्किल्स इन्हेंसमेंट, अपनी स्किल्स को क्यों नहीं इन्हेंस करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं करें। यार वही पैसा जो आप यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हो, ठीक है, वही पैसा आप जो कॉलेज में लगाते हो, अगर आप बेसिक एजुकेशन 10 से 12 जमातें पढ़ने के बाद अगर वही पैसा आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे लगा देना, चाहे वो आप बिजनेस सीखे, चाहे आप फाइनेंसिंग सीखे, अकाउंटिंग सीखे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे, आप फ्रीलांसिंग सीखे, आप अमेजोन सीखे, आप कुछ भी सीखे, लेकिन वो पैसा अगर आप वहाँ पर लगाएंगे ना, बिलीव मी, वो आपको वही जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है उससे ज़्यादा आउटपुट देगा, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। सो इस्लाम में है एजुकेशन हासिल करना, बट दैट एजुकेशन इज़ नॉट मेंट टू डू इन दिस वे कि आपने उसके बाद किसी के लिए नौकरी ही करनी है, जॉब ही करनी है, ठीक है। उस एजुकेशन का मकसद एक शऊर है, एक तरबियत है। तरबियत आप देख लें, पढ़े लिखे लोग रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज देने लग जाते हैं एक दूसरे को। सो एजुकेशन कहाँ पे दोस्त, एजुकेशन नज़र नहीं आ रही है, एजुकेशन तरबियत को बोला जाता है। वो तरबियत कहाँ पे है, आपने PhD कर ली, क्या सीखा आपने ज़िंदगी से, कि आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है किसी से बात करने के लिए। तो देखें एजुकेशन का मतलब ही हम लोगों ने गलत समझा। एजुकेशन का मतलब हमारे नज़दीक है डिग्री हासिल करनी है ताकि अच्छी जॉब हो जाए, मतलब कि आपने इतना पैसा लगाने के बाद भी माइंड सेट ये रखा है कि भाई नौकरी बनना है किसी का जाके, और इसी नौकरी वाले उस माइंड सेट की वजह से ना लोग इंडिपेंडेंट होने नहीं चाहते हैं, और अभी तक लाइक
लिटरली दुनिया में फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा चल चुकी है, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। स्टिल हमारी आवाम इसी चीज़ में फंसी हुई अभी तक कि यार ऑनलाइन काम तो फ्रॉड होते हैं, जस्ट बिकॉज पीपल डू नॉट डू सेल्फ रिसर्च। सेल्फ बेस्ड रिसर्च नाम की भी एक चीज़ होती है, इसको रिसर्च किया करें। ये चीज़ें जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैंने भी खुद से सीखी हैं। सो मैं आपको कन्वे इस वजह से करता हूँ कि जितना टाइम मुझे लगा सीखने में, बिकॉज देर वॉज नो वन एल्स टू गाइड मी, बट आई एम हेयर टू गाइड माई पीपल। ठीक है, माई पीपल मीन्स दोज पीपल जो मेरी ऑडियंस हैं। ठीक है, सो इन रिटर्न अगेन आई अर्ज यू गाइस कि आप ये वीडियोज़ अपने दोस्तों, अपने कलीग्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करें एज अ मोटिवेशन, या आप इसको शेयर कर दिया करें। तो अगर 10 के साथ शेयर करेंगे तो किसी एक को तो बेनिफिट होगा ना, और अगर किसी एक को बेनिफिट होगा और उसकी वजह से अगर उसकी फैमिली को वो फीड करे, सो लाइक जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि कितना बड़ा सवाब का काम आप खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, सो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। और पेपैल के रिगार्डिंग यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करना नेसेसिटी थी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।